Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Those of you are new here, my name is Preet Barang. Welcome to my channel. तो आज का जो मेरा reaction video है वो है MC Stan के 307 के गाने पे, which is all about like attempt to murder. तो काफ़ी I think stressing सा song है, मुझे पहले ही लग गया. आप में से किसी ने उसको recommend किया. And मैं video start करने से पहले बताना चाहूँगी, मैंने MC Stan के गाने पहले नहीं सुने हैं, so it's going to be my first time. आप लोगों की recommendation पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो, देखते हैं मुझे गाना पसंद आता है कि नहीं आता है. बट प्लीज इग्नोर माय फेस एंड माय लोकेशन टुडे. मेरे पास अच्छी लाइटनिंग नहीं है आज और मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो मे बी ऑडियो में भी थोड़ा इश्यू हो क्योंकि मैं बहुत क्विकली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो प्लीज़ माफ़ करना अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी या मेरी वीडियो क्वालिटी आज अच्छी नहीं होगी. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. म्यूजिक तो इतना स्ट्रेसिंग सा म्यूजिक लग रहा है ना स्टार्टिंग में, इतना पता नहीं क्यों डरावना सा म्यूजिक लग रहा है. तो यहाँ बाकी जिस तरीके से स्टार्ट किया है ना वो भी इतना स्कैरी सा लग रहा है. बाकी देखते हैं आगे. बदला नहीं वोच नहीं करने वाला किसी को पन क्लोज राइम्स मेरे विकेट तो गिरने वाला विकेट दूते को ऊपर का टिकट रैपर लोग की गर्दी का मैं रैप गेम का भाई बना शान बना मद्दी का जॉइंट का ना माल बना मैं उधर मुत्ता जिधर मुतना मना कब्जे के तो फास्टो तू जड़वानी वास्तो ब्लड वॉक बोल के जड़वानी नास्तो तू कशाला लास्तो मी कशाला गास्तो मी ये छूते गिरी किधर से तुम लाते हमको मत सिखाओ हम लोग बचपन से गाते ये गाना मत दे बहाना मैं बचपन से शाना तूने माँ बाप को मारा मेरे माँ बाप को माना ये दुनिया को जाना पहचाना कलाना रिहाना मेरे माना मेरे वाना फरमाना रिजवाना दो लड़की लोग को एक टाइम पे खाना मेरे जैसा गाना बहुत अच्छा सिंक और फ्लो गया जिस तरीके से उन्होंने रिहाना मैरिवाना फिर पता नहीं रिहाना मतलब बहुत सारा जो ये एकदम गया इसका फ्लो बहुत अच्छा था. बाकी यार बड़ा स्ट्रेसफुल सा सॉन्ग है, मतलब सुन के ही लग रहा है कि बंदा ना अपनी रियलिटी बता रहा है. कुछ हुआ है आई एम श्योर इस बंदे के साथ. आप लोग में से किसी ने बताया था कि ये ना अपने ट्रू लाइफ के ऊपर कुछ भी इंसिडेंट जिसके साथ हुए होता है तो वो उस पर गाने बनाता है. आई थिंक ये कुछ पुलिस से रिलेटेड इनका केस है जो मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो आई थिंक ये उसी के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं तभी 307 भी इस गाने का नाम है. बाकी चलो आगे सुनते हैं. बट अभी तक तो गाना यार बहुत तोड़ है, बहुत अच्छा है. इधर बच्चे लोग मुंह में रखते ब्लेड माला भे लाइफ इज गुड तो काई को मंगता झगड़े लफड़े पकड़े मेरे को 307 में रात में वो टाइम मेरे को घर से कॉप ने हंसते हंसते निकला घर से बस्ती की आंटी छड़ते हकीकत में सब में सर में सबके सामने माम ने मेरे हुड में खुद में नहीं घूम सकता सेलिब्रिटी बन गईला कैसे yeah. क्या भूल सकता इन केस मेरे पे केस कर रहा फेस मेरा भेज जाओ गिरे घर के तेरे बर्तन गिरे इसको उसको मांग के पी रहे कैसे क्या तुम जी रहे ये पुलिस सिर्फ नाम की रीति चाय पानी मांग के रीति फक्त पुलिस इनको मंगता नहीं पीस इनको बोला मेरे प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी मत झाट करो देखो पहला सीसीटीवी फिर आके कॉट करो माँ बाप से बात करो कौन सच्ची कौन झूठा किसने किसको कितना लूटा उतने में 3 स्टार वाले ने मेरे मुंह पे थूका पानी में दिले भी हिंसुत लोग ने भी fuck it fuck the police fuck the police peace चलो तो यहाँ पे हमारा गाना ख़त्म होता है. बट यार बड़ा ही स्ट्रेसफुल सा गाना था, मतलब मैं बोलूँगी ऐसे लग रहा है बंदा अपनी रियलिटी बता रहा है. कुछ हुआ है डेफिनेटली इनके साथ, मुझे ऐसा गाना सुन के लग रहा है जैसे इन्होंने सीसीटीवी वाली बात बोली कि सीसीटीवी देख पहले जाके, मतलब मुझे एग्जैक्टली लाइन्स याद नहीं है बट आप बिना सीसीटीवी के इनको पकड़ रहे हो फिर 3 दिन तक पानी नहीं दिया. आई मीन हम ना एज अ लाइक एज अ व्यूअर्स
हम वो गाने सुनना चाहते हैं जो ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड हो, और ये गाना आई थिंक मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इन्होंने इनकी अपनी ट्रू स्टोरी है, इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इनका शायद कुछ पुलिस के साथ भी लफड़ा वगैरह है, तभी इन्होंने लास्ट में कुछ लाइंस ऐसे ही बोली पुलिस को लेके, वरना ऐसे ओपनली ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई क्यों बोलेगा। काफ़ी सीरियस गाना था, बट मुझे समझ नहीं आया एक चीज़, लास्ट में बच्चे की रोने की आवाज़, मतलब बच्चे की आवाज़ क्यों डाली हुई है? आई डोंट नो, या तो अपने नेक्स्ट गाने के बारे में बता रहे हैं, या आई डोंट नो क्या था, बट इफ़ यू गाइज नो कि क्यों इन्होंने ऐसा डाला है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताओ, और अगर आप लोग के इनके बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आगे जब कभी कोई रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी इनको तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि वॉट इज़ गोइंग विद हिम, क्या सिचुएशन थी। बाकी गाना यार बहुत अच्छा है, मतलब इन्होंने ना एक एक चीज़ ऐसी बोली है जो इनके साथ हुई है, मैं जो अज्यूम कर रही हूँ, और फिर उसको ऐसे लिरिक्स में मतलब कन्वर्ट करके गाना निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी यार म्यूज़िक बहुत स्कैरी था ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, कोई हेट चीज़ें नहीं बोल रही हूँ आप लोग को, बट हाँ मुझे सुन के ऐसे लगा कि यार मतलब रोंगटे से खड़े हो गए कि ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ अगर ये ट्रू स्टोरी है। तो यही था मेरा रिएक्शन वीडियो, अच्छा था सब कुछ, बट बाकी मुझे और जानना है इनके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताएं। बाकी दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ रिएक्शन वीडियो, आई एम गोना कैच यू गाइस सुपर सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, बट टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।